हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर दिन कुकिंग विद अनी। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में बनाने जा रही हूँ स्टफ़ ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा एक ऐसी रेसिपी है जो हर बड़े छोटे को पसंद आता है और बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट स्नैक होता है। ब्रेकफास्ट में दो चाहे शाम को दो, जब मर्जी दो, टिफिन में भी हम बच्चों को दे सकते हैं। हम इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें किसी वेजिटेबल की स्टफिंग भी कर सकते हैं। आलू तो हर टाइम फेवरेट है बच्चों का, तो हम उसकी स्टफिंग करके आज बनाएंगे। और कुछ बच्चों के लिए मैं उसमें चीज़ का भी स्लाइसिंग करूँगी बीच में। तो चलते हैं, बनाते हैं स्टफ ब्रेड पकौड़ा। और इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, आलू। ये देखिए उबला हुआ है, मैंने उबाल लिया आलू और इनको मैं अब इस ग्रेटर के ऊपर ग्रेट करूँगी ताकि ये बिल्कुल एक सार हो जाए। मैं ये हमारे सारे आलू कद्दूकस हो गए हैं, बिल्कुल ग्रेट मैंने कर लिए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। ये देखिए अब हम इसको लगाएंगे थोड़ा सा तड़का। देखिए फ्रेंड्स, आलू की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं हम। मैंने इसमें डाला है पैन में जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है दो चार। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ। ये देखिए थोड़ी सी सौंफ डालूंगी और इसमें डालूंगी मैं मेथी का पाउडर। थोड़ा मोटा मोटा है और इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे, इससे बॉक है। इसमें अब डालेंगे हम सूखा धनिया पाउडर और सॉल्ट, अदरक और इसमें डालेंगे थोड़े से हमें हरी प्याज का। इसमें डालेंगे प्याज, लेंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च भी ज़्यादा डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू मिक्स हो गए हैं फ्रेंड्स सारे। अब इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला। देखिए इतना अच्छा इसका कलर आया है। घोलते हैं, बैटर तैयार करते हैं। हमारा बैटर अभी काफी गाढ़ा है पर मैं धीरे धीरे इसमें पानी मिला रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अप्रोक्सीमेट आधा किलो बेसन लिया है और इसमें मैंने पानी डाल के इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाया है। देखिए लाइक दिस, बहुत स्मूथ बैटर। इसमें कुछ नहीं हमने मिलाना, थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी मैं इसमें और कुछ मिर्च नहीं, कोई मसाले नहीं, क्योंकि मसाले बाहर अगर बेसन में डालें तो वो काफ़ी हद तक जल जाते हैं और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा बनेगा ये। और क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्रेड पकौड़े बनाने थे इसलिए मैंने आधा किलो बेसन लिया और आधा किलो से थोड़े ज़्यादा आलू है। तो आप इसे कम भी कर सकते हैं जितने आपने बनाने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। चलिए जब तक ये सेट होता है थोड़ा बेसन हमारा, हम करते हैं ब्रेड में स्टफिंग। पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन चटनी, जैसे हम नॉर्मल ग्रीन चटनी घर में बनाते हैं, वो वाली चटनी है ये फ्रेंड्स। थोड़ी स्पाइसी है क्योंकि हमने बेसन में कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है, तो जो इसका ही टेस्ट आएगा सारे ब्रेड पकौड़े में, इसलिए इसे हम थोड़ा अच्छे से करेंगे आलू को और चटनी को लगा के। इसके ऊपर हम लगाएंगे आलू। ये देखिए पूरी तरह से फैला के इसको बराबर कर लेना हमने। और बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रेड है वो वैसे ही उसके ऊपर आए जैसे नीचे वाला पीस है, जैसे यहाँ पर ये कट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज ऊपर नीचे। देखिए सारे पीसेस रेडी हो गए हैं, बिल्कुल स्टफिंग सब में हो गई है और मैंने कुछ पीसेस में चीज भी रखा है बच्चों के लिए, अच्छा लगता है उन्हें। इसी स्टफिंग के ऊपर चीज स्लाइस रखा है, देखिए बहुत अच्छा लगेगा ये। और इनको कटिंग किया मैंने इस तरह ट्रायंगल शेप में, मैंने इनको काट। देखिए सब सारे के मैंने स्टफिंग करके रख लिया। ये देखो हमने इवन कर लेना है, देखिए इस तरह से इवन करके और इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस स्टेज पे इसे बाहर निकाल लेना है, हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे।
और ये बहुत क्रिस्पी, देखिए कितना परफेक्ट बने। जो मैंने पहले कच्चे कच्चे निकाले थे वो मैंने डाले हैं दोबारा, और मॉडरेट है इसका, बहुत तेज नहीं है गैस हमारी, तो देखिए। और लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है हमारा गर्मा गर्म चटपटा ब्रेड पकोड़ा स्टफ्ड, चटनी के साथ हरी चटनी है पुदीने की और इमली की चटनी है, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। और इसके ऊपर मैंने पहले भी डाला थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ चाट मसाला इसका टेस्ट दुगना करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।